हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल सीक्रेट ब्यूटी। कैसे हैं आप सब व्यूअर्स? आज मैंने फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हुई हूँ कंडीशनर की वीडियो लेकर, रिव्यू लेकर। यह है चौबा कंडीशनर। लेकिन पहले मैं आप लोगों से माफ़ी मांग लेती हूँ क्योंकि मुझे हिंदी बोलना बिल्कुल भी नहीं आती, क्योंकि मैं बांग्लादेश में रहती हूँ और मेरा जो मदर टन है, जो लैंग्वेज है, वो बांग्ला है। मैं बांग्ला में बोलती हूँ लेकिन हिंदी में कभी भी किसी के साथ बात नहीं की। लेकिन मुझे हिंदी बोलना अच्छा लगता है, हिंदी सुनना अच्छा लगता है। आप लोगों से हिंदी में मैं सीरियल देखती हूँ, इसलिए आप लोगों की सीरियल मुझे बहुत पसंद है और आप लोगों की हिंदी जो बात है वो मैं समझ जाती हूँ, लेकिन बोलना नहीं आती क्योंकि मैं कभी भी हिंदी में बात करने की कोशिश भी नहीं की। लेकिन व्यूअर्स, आप लोगों ने मेरे जो हिंदी बांग्ला की जो वीडियो है वो आप लोगों ने देखा, आप लोगों को पसंद आया। बहुत लोगों ने मुझे कमेंट्स किया कि आप लोगों की मेरी बात समझ में नहीं आ रही है और आप लोग चाहते हैं कि मैं बांग्ला में छोड़कर हिंदी में भी एक वीडियो रिव्यू तैयार करो आप लोगों के लिए। इसलिए मैंने सोचा कि ट्राई करती हूँ आप लोगों की कुछ समझ में आ जाए और आप लोगों की पसंद आए मेरे वीडियो। इसलिए मैंने आज हिंदी में ये वीडियो तैयार करने के लिए आई हूँ, ये वीडियो कर रही हूँ। लेकिन मुझे नहीं पता आप लोगों के समझ में आ रहा है कि नहीं। प्लीज़ आप लोग कुछ देख लीजिए, सुन लीजिए और कुछ समझ लीजिए। और मेरी बात आप लोगों के समझ में नहीं आती और आप लोग प्लीज़ आप लोग मत हंसिए मेरे बातों के ऊपर, क्योंकि मुझे हिंदी बोलना बिल्कुल भी नहीं आती। मैं ये फर्स्ट टाइम कोशिश कर रही हूँ हिंदी में बात करने के लिए। मुझे भी हंसी आ रही है क्या बोल रही हूँ मैं भी अच्छे से नहीं जानती क्या बोल रही हूँ। बहुत लोगों की हंसी भी आ जाएगी मेरी बात सुनने के बाद, मैं जानती हूँ। प्लीज़ बैड कमेंट्स मत कीजिए, प्लीज़ प्लीज़ मेरे बातों के ऊपर मत हंसिए। सो व्यूअर्स, जिन जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया सबको बहुत धन्यवाद। जिन जिन लोगों ने मेरे वीडियो देखा, मेरे वीडियो के 10,000 की ज़्यादा व्यू हो गया है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ आप लोगों के सबको बहुत बहुत धन्यवाद मेरे वीडियो के देखा, इसलिए बहुत बहुत थैंक्स। लेकिन जो जिस जिस फ्रेंड्स ने मेरे वीडियो नहीं देखा कि मेरे वीडियो को लाइक नहीं की, शेयर नहीं की, प्लीज़ मेरे वीडियो को इस बार ज़रूर शेयर कर देना, लाइक कर देना और ज़रूर मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। व्यूअर्स, तो चलिए शुरू करती हूँ आज की वीडियो। मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि ये जो हमारे सामने जो कंटेनर है, ये है एक कंडीशनर विथ हेयर स्प्रा और हेयर ट्रीटमेंट क्रीम है। ये है चाबा कंडीशनर। इसको चाइना में मिलती है, चाइना से आती है हमारे देश में, मिडिल हमारे जो एशिया कंट्री में मिल जाती है बहुत आसानी से। मेरे बांग्लादेश में भी ये मिलती है। मैंने लास्ट 6 से 8 मंथ होगी मैं ये यूज़ करना शुरू किया और मुझे बहुत अच्छा लगा। इसका जो फ्लेवर है थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है लेकिन बहुत अच्छा है और ये बालों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। आप जब ये यूज़ करोगे तब आप भी मान जाओगे कि ये बहुत बहुत ही बालों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, बहुत ही अच्छी है। आप जब इससे कंडीशनर करेंगे आप लोगों के बालों में तब आपको रियलाइज़ होगी कि ये कितना अच्छा काम करती है। और इससे आप घर पे बैठे बैठे ही हेयर स्पा भी कर सकती है। हेयर स्पा करने के लिए जो कोट कर सकती हो वो तो आप बहुत अच्छे से जानती हो कैसे हेयर स्पा करना पड़ता है। फिर भी मैंने एक वीडियो बनाया था हेयर स्पा के ऊपर, सो वहाँ पर मैं बोल दिया था कैसे कैसे आप लोग हेयर स्पा कर सकते हो। फिर भी आप लोगों के जानने के लिए मैं फिर से बोल दूँगी, आप लोगों की ज़रूरत हो तो आप लोग मुझे बताइएगा, सो मैं बोल दूँगी। आज सिर्फ इतना ही कह सकती हूँ कि ये जो कंडीशनर है, कंडीशनर बहुत ही अच्छे है। आप लोग प्लीज़ इसके ट्राई करें घर पर, इसे कंडीशनर कर सकते हैं। हफ्ते में इसको आप लोग शैम्पू करने के बाद 2 से 3 बार आप लोग लगा सकती है और सब हफ्ता में आप लोग ज़रूर एक बार तो ज़रूर वीक में हेयर स्पा कर लीजिए। हेयर स्पा करने के बाद आप लोगों को फ़र्क खुद ब खुद नज़र आ जाएगा, आप लोग समझ सकेंगे, देख सकेंगे आपको आपकी बाल कितना खूबसूरत लग रही है, कितना अच्छे लग रही है। इससे आपको बाल को जो झाड़ना होता है, गिर जाती है, वो कम हो जाएगी। साथ ही साथ इसमें आपको जो खुश्की का डैंड्रफ का जो प्रॉब्लम्स होती है वो भी चले जाएगा, बिल्कुल भी नहीं होगी। कुछ दिन यूज़ करने के बाद आप लोग देखेंगे कि आपको बालों में जो डैंड्रफ होता है वो भी चला जाएगा और आपको बाल बहुत बहुत ही सुंदर लगने लगेगी और बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगी। सब
से अच्छी बात जो है इस कंडीशनर की वो है बहुत बड़ा बड़ा कंटेनर मिलती है। इसका तीन कंटेनर मिलती है, एक है पास 5 ग्राम की, 500 ग्राम की, एक होते हैं 800 ग्राम की और एक होती है 1 किलो की। 1 किलो की एक मिलती है, तीन कंटेनर मिलती है। तो आप चाहे तो छोटा जो होता है वो भी ले सकते हैं, इससे आपको बहुत दिन तक चला जाएगा। और ये चाइना की प्रोडक्ट है, यह लिखा है मेड इन चाइना, ये चाइना से मिलती है। और इसका जो प्राइस है, प्राइस भी बहुत ही रिजनेबल है। हमारे बांग्लादेश में ये बहुत कम प्राइसों में मिल जाती है। मेरे पास जो कंटेनर है ये है 800 ग्राम की, इससे मुझे 580 रुपीज़ से मैंने ये लिया था। सो आप लोग चाहे तो इसको खूब बहुत ही आसानी से आप लोग पाएंगे, आपको जो आसपास जो ब्यूटी स्टोर है उसमें मिल जाएंगे। सो व्यूअर्स, आप लोगों के मेरे वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर देना। और अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, मेरे जो कंडीशनर है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। मैंने बहुत दिनों से ये यूज़ कर रही हूँ, सो मुझे ख़त्म हो गया। लेकिन अंदर से आप लोग देखिए, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ इस तरह की होती है कंडीशनर। लाइट क्या कहो, ब्राउन कलर होती है, क्रीम कलर होती है, लाइट क्रीम होती है, क्रीम कलर का होती है कंडीशनर। और इसका जो स्मेल है, स्मेल भी बहुत अच्छी है। और वो ये कोकोनट से होती है, कोकोनट इसका मेन इंग्रेडिएंट्स कोकोनट होती है। इसका आपको बहुत ही कम लगेगी। और इसको जो एक्सपायर डेट है 3 सालों तक ये आप यूज़ कर सकते हो। सो रख कर भी आप ये यूज़ कर सके, 3 सालों तक ये चलती है, 3 साल तक इसका जो एक्सपायर डेट है 3 साल तक है। सो व्यूअर्स, प्लीज़ मेरे वीडियो को आप लोग देखना, मेरे बातों में कोई भी गलती हो तो माफ़ कर देना प्लीज़। मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, आप भी बोल रही हो, मुझे बिल्कुल भी हिंदी में बात करनी नहीं आती, मैंने कभी भी कोशिश तक नहीं की। लेकिन आज हम आप लोगों के लिए कर रही हूँ, क्योंकि आप लोगों ने, बहुत लोगों ने मुझे कमेंट्स की है, बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट की है, इसलिए आप लोगों के लिए वीडियो तैयार की हो। प्लीज़ आप लोग कुछ बैड कमेंट्स मत करना मेरे वीडियो के ऊपर प्लीज़। और आप लोगों को ज़रा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। सो व्यूअर्स, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।